लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कन्विंस करने की कोशिश तो करता हूं, उनको अपना बिजनेस प्लान भी दिखाता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग मुझसे कन्विंस नहीं होते। पता नहीं क्यों इतनी मेहनत करने के बाद भी लोग मेरे बिजनेस को ज्वाइन क्यों नहीं करते। अगर आप भी इस सवाल से परेशान है दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव मेहरा और मेरा चैनल है यूट्यूब पे जिसका नाम है योर सीक्रेट अपलाइन। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत केसेस में ऐसा होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब हम लोगों को अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताते हैं तो हमें रिजेक्शंस हासिल होती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं, अगर मैं और आप प्रोस्पेक्ट्स को कन्विंस करना चाहते हैं, तो पहली चीज ये ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें सेलर की तरह नहीं, हमें बायर की तरह सोचना पड़ेगा। मतलब हमें टेबल की इस तरफ एज अ बिजनेसमैन नहीं, टेबल की उस तरफ एज अ प्रोस्पेक्ट सोचना पड़ेगा। क्योंकि सेलिंग का और कम्युनिकेशन का एक नियम होता है दोस्तों, जिस नियम को कहते हैं कि हमें वो नहीं कहना जो हमें आता है, हमें वो कहना है जो सामने वाला सुनना चाहता है। तो पहले हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि एक बायर या एक व्यक्ति जो इस बिजनेस को, जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो इस बिजनेस को आपके साथ स्टार्ट करे, एक्चुअली में वो क्या सुनना चाहता है। तो उसके लिए हमें अपने आप को उसके शूज में रखना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूं कि आने वाले 5-6 मिनट आप एज अ सेलर नहीं, एज अ बायर सोचें, या यू कहिए एज एन इन्वेस्टर सोचे। और मानिए कि मैं आपके पास एक बिजनेस प्रपोजल लेके आया हूं जिसमें मैं चाहता हूं कि आप मुझे मेरे बिजनेस में ज्वाइन करें और मेरे साथ मिलके काम करें। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपके पास लेके आया हूं एक इंश्योरेंस प्लान और साथ में मैं चाहता हूं कि आप इंश्योरेंस के एजेंट बन जाएं। या यूं मानिए मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में हूं और मैं भी चाहता हूं कि आप मुझे ज्वाइन करें और आप भी मेरे साथ आके रियल एस्टेट को बेचने लगे। तो एक बार सोचिए, अगर मैं आपको इस तरीके का प्रपोजल दूं कि देखिए जी ये इंश्योरेंस एजेंट बनने के फायदे हैं, आप भी मेरे साथ इंश्योरेंस एजेंट बन जाइए, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? तो याद रखिए, एक पोटेंशियल बायर या एक प्रोस्पेक्ट, उसके दिमाग में मेनली 3 सवाल चलते हैं जिसके जवाब वो आपसे चाहता है। और ये 3 सवाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तीनों सवालों के जवाब इसी सीक्वेंस में आपको देने पड़ेंगे। पहला सवाल होता है जिसको मैं कहता हूं व्हाट विल आई गेट, मुझे मिलेगा क्या। ये सबसे पहला सवाल है जो एक व्यक्ति के दिमाग में चलता है। अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे तो आने वाली बातें आप जितनी भी करेंगे वो सब बेकार है। दूसरी चीज, जो मुझे मिलेगा उसको मिलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दूसरा सवाल, व्हाट विल आई हैव टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा। और तीसरा और अंतिम सवाल, व्हाट आई हैव टू पे, मुझे आज आपको क्या देना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये 3 सवालों के जवाब आप जब तक सामने वाले प्रोस्पेक्ट को नहीं देंगे तब तक वो व्यक्ति आपके साथ कंफर्टेबली बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया, अगर आज मैं कहूं कि आप मेरे साथ इंश्योरेंस एजेंट बन जाइए या मेरी रियल एस्टेट कंपनी में आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाइए, तो आपके दिमाग में भी ये 3 चीजें रहेंगी। पहला, ऐसा करने से, इंश्योरेंस बेचने से मुझे मिलेगा क्या, ये सबसे पहली चीज आपके दिमाग में चलेगी। दूसरा, इसको पाने के लिए, ये सब जो आपने बताया मिलने के लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा। और तीसरी चीज, आज मुझे आपको क्या देना पड़ेगा। तो आइए इन 3 सवालों के जवाब नेटवर्क मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं और उस लिहाज से देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें लोगों को बतानी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल जो लोग चाहते हैं, जिसका जवाब मिलना, मुझे मिलेगा क्या, मतलब व्हाट विल आई गेट। नाउ सवाल यह है कि मुझे मिलेगा क्या, लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग में समस्या क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। जैसे इस बिजनेस में एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का कहीं ना कहीं अरेंजमेंट हो सकता है। इसके अलावा इस बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, इस बिजनेस में टाइम फ्रीडम मिल सकती है, इस बिजनेस के अंदर फैमिली सिक्योरिटी मिल सकती है, इवन मेरे जाने के बाद भी इस बिजनेस के अंदर मुझे बहुत ज्यादा इज्जत शोहरत मिल सकती है, इस बिजनेस में कहीं ना कहीं मैं अपना खुद का बॉस बन सकता हूं। इन सारी चीजों को दोस्तों हम लोग बोलते हैं PMF,
प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़े से पुराने हैं तो आप जानते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग लगभग 10-11 के करीब प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर्स को ऑफर करती है। अब सवाल ये उठता है कि मुझे और आपको ये कैसे पता चले कि सामने वाला इनमें से कैसे ट्रिगर होगा, या इनमें से कौन सी चीज है जिससे वो सबसे ज्यादा आकर्षित होगा। तो इतना दिमाग लगाने से बेहतर क्या है, क्यों ना उसी से पूछ लिया जाए कि इसमें से उसकी नंबर वन प्रायोरिटी क्या है। तो आपको अपना बिजनेस प्लान शेयर करने से पहले, कोई भी बिजनेस की बात करने से पहले, सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि आखिरकार उसको चाहिए क्या। तो आपको क्या करना चाहिए, एक पेज पे ये 10 प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर्स को लिखिए और उस व्यक्ति से पूछिए अगर इनमें से कोई एक चीज चुननी हो तो आपकी नंबर वन प्रायोरिटी क्या होगी। जनरली लोगों का आंसर आता है, अरे ये तो इतना अच्छा है कि सारे ही मिल जाए तो कितना बढ़िया हो जाए। आपने हिलना नहीं, अपने जगह से हिलना नहीं, आपने दोबारा पूछना है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी कृपया करके मुझे ये जरूर बताएं कि इनमें से अगर रैंकिंग करनी हो तो आपकी नंबर वन प्रायोरिटी क्या होगी। तो वो व्यक्ति ने सपोज करिए आपको कहा कि टाइम फ्रीडम मेरी नंबर वन प्रायोरिटी है, तो आपने अगला सवाल उनसे पूछना है, यही वाला क्यों चुना, आपने ये वाला पॉइंट ही क्यों चुना। तो सामने वाला व्यक्ति आपको कोई ना कोई आंसर तो देगा। मे बी उसने आंसर दे दिया कि अगर मुझे टाइम फ्रीडम मिल जाए तो मैं अपनी फैमिली के साथ जब चाहूं तब मैं वेकेशन पे या घूमने के लिए मैं जा सकता हूं। तो अब क्या हुआ, आपको पता लग गया कि सामने वाला एक्चुअली में चाहता क्या है। तो आपको क्या करना चाहिए, स्मार्टली अपने बिजनेस का प्रपोजल रखते समय पहले सवाल का जवाब देना चाहिए कि आपको मिलेगा क्या। तो आप कैसे जवाब देंगे, देखिए सर मैं आपके सामने अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं और इस बिजनेस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको प्रूफ करूंगा कि इस बिजनेस से आपको टाइम फ्रीडम मिल सकती है जिसकी मदद से आप जब चाहें तब अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जा सकते हैं। तो अब आपने स्मार्टली क्या किया, आपने न केवल पहले सवाल का जवाब दिया कि मुझे मिलेगा क्या, बल्कि आपने इतना सटीक जवाब दिया कि सामने वाले को यह लगना चाहिए कि जो मुझे चाहिए आखिरकार मुझे वो ही मिलेगा। सपोज करिए उस कॉलम में सामने वाले व्यक्ति कोई स्टूडेंट है और उन्होंने चुन लिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और आपने बोला आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही क्यों चुना। तो उसने कहा अगर मेरी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है तो कल को जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मैं बहुत अच्छी कंपनी में बहुत कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देके सिलेक्ट हो सकता हूं। तो अब आप क्या बोलेंगे, भाई मैं आपके सामने एक बिजनेस प्रेजेंटेशन लेके आया हूं जिस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी पर्सनालिटी में बेहतरीन बदलाव आएगा और आप इतने बढ़िया परफॉर्मर बन जाएंगे कि आने वाले भविष्य में आप किसी भी इंटरव्यू में जाइए आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। याद रखिए जब तक ये पहले सवाल का जवाब सामने वाले के दिल में नहीं उतरता तब तक आगे कहीं भी किसी भी बात का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा सवाल जो सामने वाला आपसे जिसका आंसर चाहता है कि ये पाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे टाइम फ्रीडम मिलेगी तो सही, मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिलेगी तो सही, लेकिन वो मिलने के लिए आखिरकार मुझे क्या करना पड़ेगा और क्या मैं वो कर भी पाऊंगा या नहीं। तो दूसरे सवाल का जवाब आपको किस तरीके से देना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सिद्धांत है दोस्तों, ये चलता है वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन पे। और याद रखिए सेलिंग इज अ वेरी नोबल वर्ड, बेचना एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग सेलिंग के नाम से घबरा जाते हैं। सेलिंग सुनते ही लोगों को पसीने आने लगते हैं, और अगर आपने अगर गलती से यह कह दिया कि आपको बेचना पड़ेगा तो आप याद रखिए बहुत से लोग बैकफुट पे चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है मैं बेच नहीं सकता। तो आपको स्मार्टली क्या करना चाहिए, आपको वो बोलना चाहिए जो सामने वाला सुनना चाहता है। सामने वाला क्या सुनना चाहता है कि मैं इसको इजीली कर सकता हूं। तो आपको वहां पे क्या करना चाहिए दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए, बस आपको जो आपका मनचाहा प्रोडक्ट हो जिस पे आपका दिल गवाही दे उन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना पड़ेगा, उन प्रोडक्ट्स की यूज करने की लोगों को सजेशन या सलाह देनी पड़ेगी। याद रखिएगा बेचने के नाम से लोग घबराते हैं, सलाह देने के नाम से, रिकमेंड करने के नाम से लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में आप जानते ही हैं सलाह देना, ओपिनियन देना हमें बहुत अच्छा लगता है।
तो आपको दूसरे सवाल का जवाब कैसे देना चाहिए, बहुत कंफर्टेबल हो जाइए सर। आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे उन प्रोडक्ट में से जिसके लिए आपका दिल गवाही दे उस प्रोडक्ट को अपने दोस्तों में जानकारे वाले लोगों में रिकमेंड करना है, सजेस्ट करना पड़ेगा। इसमें मैंने आपको क्यों टाइम लगा रहा हूं, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, पहले दिन उनको समझाने की कोशिश करते हैं ये मजाक नहीं है, इसमें 3 साल तो लगेंगे ही, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आप गलती कर रहे हैं। अगर एक नर्सरी के बच्चे को जिसको अभी स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन बनाना नहीं आता, आप उसको ये समझाने लगे अरे ABCD पढ़ने से कुछ नहीं होता, A+B होल स्क्वायर भी आना चाहिए, तो याद रखिए उसका कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं बनेगा पेंसिल उठा के स्लीपिंग या स्टैंडिंग लाइन बनाने में। तो दूसरे जवाब को दीजिए, लेकिन सामने वाले के शूज में अपने आप को रख के सवाल का जवाब दीजिए कि मुझे क्या करना पड़ेगा। बहुत सिंपल, लोगों को रिकमेंड करना पड़ेगा। तीसरा और अंतिम सवाल, आज मुझे क्या देना पड़ेगा, व्हाट विल आई हैव टू पे। तो उसमें आपको स्मार्टली क्या बोलना चाहिए, सर आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं है, दिस इज जस्ट अ शॉपिंग बेस्ड बिजनेस। तो मैं आपको एक बकेट ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाता हूं, आपकी इच्छा अनुसार इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप वो प्रोडक्ट को परचेज करके उसको बाय करके इस बिजनेस को आज मेरे साथ साइन अप कर सकते हैं। आपको वहां पे भी लोगों को कंफर्टेबल करना है कि इजीली यू जस्ट हैव टू परचेज, या यू कहिए आपको शॉपिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट जैसा नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं है। याद रखिए जब आप ये 3 सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन शर्त वही है इसी सीक्वेंस में देते हैं, क्योंकि सुनने वाला चाहता तो है सुनना, लेकिन यही सीक्वेंस, मुझे मिलेगा क्या, उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, और आज मुझे आपको क्या देना पड़ेगा, तभी सामने वाला आपसे कन्विंस होता है। अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत से केसेस में देखा है लोग या तो इन सवालों के जवाब ही नहीं देते, बहुत सी और चीजें बताने लगते हैं, या फिर अगर जवाब देते भी हैं तो जवाब गलत सीक्वेंस में देते हैं। वो शुरुआत इस बात से करते हैं कि आज आपको क्या देना पड़ेगा, फिर उस बात से करते हैं फिर आपको क्या करना पड़ेगा, और अंत में जाके कहीं ये बात बताते हैं कि आपको क्या मिलेगा। आप गलती कर रहे हैं, जब तक सामने वाले को इस बात का अट्रैक्शन नहीं है कि मुझे जो मिलेगा वो मेरे फायदे का है, तब तक बाकी चीजों को वो सुनेगा ही क्यों। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं आपके पास आके बोलूं कि ये रियल एस्टेट में आप मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बनिए, और मैं आपको इसी बात पे कन्विंस करने के लिए कन्विंस ही नहीं कर पा रहा हूं कि इस बिजनेस से आपको ये चीजें मिल सकती हैं जो आपको आकर्षित करें, तो बाकी चीजें कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने वाली है और मेरे कितने बड़े प्लान्स हैं, वो आपके लिए सब बेकार है, आप उसको सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। लोगों को अंत में फिर से याद दिला रहा हूं, हमें वो नहीं कहना जो हमें आता है, हमें वो कहना है जो सामने वाला सुनना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।